नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं महिंद्रा यूवो टेक प्लस 265 डीआई ट्रैक्टर और स्वराज 735 एफडब्ल्यूई ट्रैक्टर का एक कंपैरिजन वीडियो लेके आया हूं। तो प्लीज़ वीडियो के अंदर जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वराज 735 एफई और महिंद्रा यूवो दोनों ही काफ़ी शानदार सीरीज के ट्रैक्टर है, यूवो सीरीज। और वैसे बात करें कंपनी की, तो दोनों ट्रैक्टर सेम ही कंपनी है, दोनों महिंद्रा ही ओन करती है। और बाकी इन दोनों की परफॉर्मेंस वाइज की बात करें तो दोनों 35 से 40 हॉर्सपावर की कैटेगरी के ट्रैक्टर हैं। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, लुकिंग वाइज मुझे यूवो ज़्यादा अच्छा लग रहा है और काम वाइज भी यूवो। मेरे पर्सनली बात करूँ, मैंने काफ़ी किसान भाइयों से कंसल्ट किया हुआ है, तो मुझे परफॉर्मेंस वाइज उन्होंने ज़्यादा यूवो बताया। पर आप अपने कंपैरिजन करके देख लेते हैं। ड्यूल हैलोजन लैंप मिलेंगे, स्वराज की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलेगी, फ्रंट में एंटिक लुक देखने को मिलेगा, स्ट्रेट सीधा एक्सल देखने को मिलेगा, एडजस्टेबल एक्सल ट्रैक्टर में आपको नहीं देखने को मिलेगा। ट्रैक्टर में आपको यूवो का लुक दिखाए तो जबकि आपका एरोडायनेमिक लुक इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिलेगा ट्रैक्टर में। और ड्यूल हैलोजन लाइट्स मिलेगी फ्रंट में, महिंद्रा की बैचिंग मिलेगी क्रोम फिनिश के साथ। और लुकिंग बताऊं तो मुझे महिंद्रा की लुकिंग काफ़ी शानदार लगी, स्वराज की भी लुकिंग अच्छी है एंटिक लुक के साथ। काफ़ी किसान भाइयों को वो लुक ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें भी आपको स्ट्रेट एक्सल और फ्रंट में हैवी वेट ज़्यादा मिलने वाला है स्वराज के मुकाबले। और बाकी ये बात करें यूवो टेक, इसमें आपको 6000 घंटे और 6 साल की वारंटी मिलेगी, और जबकि स्वराज में आपको 2 साल की वारंटी मिली है। तो थोड़ा वारंटी का भी यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है 4 साल का। अब बात करते हैं, एक बार मैं स्वराज का फुली क्लैरिफाई कर देता हूँ। ये ट्रैक्टर आपको कंपनी ने 35 से 40 हॉर्सपावर की कैटेगरी के बीच इस ट्रैक्टर को रखा गया है। जैसे इसमें कैटेगरी वाइज रखा गया है ट्रैक्टर को, इसकी हॉर्स पावर सिंपल नहीं बताएगी, इसमें आपको कैटेगरी वाइज बताई गई है। ये 35 से 40 हॉर्सपावर की कैटेगरी का ट्रैक्टर है, और वो वाला ट्रैक्टर 33 हॉर्सपावर की कैटेगरी का, 33 हॉर्सपावर उसकी इंजन पावर है, पर उसको भी 35 से 40 वाले में रखते हैं। बाकी फ्रंट टायर की बात करें, दोनों टायर में आपको, दोनों ट्रैक्टर में 6-16 के इस ट्रैक्टर में आपको फ्रंट टायर का साइज़ देखने को मिलेगा। ड्यूल डीजल फिल्टर आपको देखने को मिलेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी वाटर सेपरेटर मिल जाएगा। गलती से डीजल टैंक में पानी चला जाए तो पानी अपने आप सेपरेट हो जाएगा। 2734 सीसी पावर इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिलेगी। ट्रैक्टर में 3 सिलेंडर पावर देखने को मिलेगा। 1800 इंजन रेटेड आरपीएम ट्रैक्टर में आपको देखने को मिलेगा। एफई का मतलब होता था फ्यूल एफिशिएंट, और जिसमें आपको एवरेज काफ़ी मिलती है। तो अब ई का जो एक और ई आ गया, उसका मतलब रहता है एक्स्ट्रा, तो इसमें आपको एवरेज काफ़ी देखने को मिलेगी बाकी पहले के मुकाबले। 2734 सीसी पावर सेक्टर में देखने को मिलेगी आपको स्वराज का शानदार ड्यूल टोन के साथ। इसमें आपको ये इसका कलर मिलने वाला है, एसएफसी प्लेट मिल जाएगी, यहाँ पे अपनी पीटी वगैरह की जानकारी आपको मिल जाएगी ट्रैक्टर में। अब बात कर ले अपने प्लेटफॉर्म की, दोनों ट्रैक्टरों के प्लेटफॉर्म काफ़ी कंफर्टेबल है। उस ट्रैक्टर में साइड शिफ्ट गियरबॉक्स मिलेगा, इस ट्रैक्टर में आपको सेंटर शिफ्ट गियरबॉक्स मिलने वाला है। पीछे वाले टायर में आपको ऑप्शन मिलने वाला है 12/4/28 और 13/6/28 का ट्रैक्टर में। मैं आपको बात करूं प्लेटफॉर्म की, स्वराज की प्लेटफॉर्म मुझे इतना शानदार लगता है सेंटर शिफ्ट गियरबॉक्स होने के बावजूद भी, इसका प्लेटफॉर्म स्वराज ने कुछ इस तरह से डिज़ाइन करा है कि वो कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा फील रहता है। पीछे आपको रिफ्लेक्टर, बोतल होल्डर, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन देखने को मिलेगा, और 1100 से लेकर 1200 केजी तक इसकी लिफ्ट क्षमता इस ट्रैक्टर की है। तो दोनों ट्रैक्टर में लिफ्ट की काफ़ी बातें हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब बात कर लेते हैं, इस ट्रैक्टर में आपको सिंगल वॉल मिल जाएगा ट्रॉली के लिए, जैसे हाइड्रोलिक के लिए सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल मिलने वाला है ट्रैक्टर में आपको। ये देख लीजिए प्लेटफॉर्म, काफ़ी शानदार प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेगा। छोटा स्टेयरिंग पर ही हॉर्न मिल जाएगा, एनालॉग टाइप का मीटर मिलेगा, डिजिटल मीटर आपको नहीं देखने को मिलेगा। 48 लीटर का फ्यूल टैंक इस ट्रैक्टर का बैकअप है, और ट्रैक्टर का खुद का कुल वजन है 1845 केजी, और व्हील बेस है 1930 mm। मल्टी स्पीड पीटीओ मिलने वाली है, 540 चक्कर जनरेट करेगी, ऑयल ब्रेक ट्रैक्टर रहेगा, 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स के ट्रैक्टर में मिलने वाले हैं। 27.80 किलोमीटर पर आर की इसकी फॉरवर्ड की स्पीड है। चार्जिंग बॉक्स भी मिल जाएगा, 12 वोल्ट का चार्जिंग बैकअप सपोर्ट मिल जाएगा, और 10 पॉइंट की इसकी बैक वाली स्पीड है, 11 पॉइंट कुछ की इसकी। सिंगल क्लच ट्रैक्टर रहेगा। पीटीओ हॉर्स पावर की बात करें, 32.6 HP की इस ट्रैक्टर में पीटीओ हॉर्स पावर मिलने वाली है ट्रैक्टर में, और ड्यूल टोन के साथ आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर ले यूवो की, 33 हॉर्सपावर की कैटेगरी का ये आपको ट्रैक्टर देखने को मिलेगा। दोनों ट्रैक्टर 35 से 40 हॉर्सपावर की कैटेगरी के ट्रैक्टर हैं। कंपनी ने उस ट्रैक्टर में स्वराज में क्लियर नहीं करा, तो उसमें कैटेगरी वाइज रखा है। इसमें हॉर्सपावर की बात करें, 33 हॉर्सपावर के ट्रैक्टर में मिलने वाला है आपको। एडजस्टेबल दोनों ट्रैक्टर में हुक मिलने वाला है, पर हुक हैवी आपको महिंद्रा में देखने को, इस यूवो में देखने को ज़्यादा मिलने वाला है। और इस ट्रैक्टर में आपको 2048 सीसी पावर मिलेगी, और स्वराज में आपको 2734 सीसी पावर। इसमें भी आपको सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल मिलने वाला है, जैसे ट्रॉली वगैरह के लिए। देख लीजिए दोनों ट्रैक्टर का लुक, पीछे से दमदार लुक मुझे यूवो का ज़्यादा लग रहा हैवी लुक, हैवी ज़्यादा आपको बात करें हैवी पन की, तो यूवो स्वराज से ज़्यादा हैवी है। स्वराज का वजन है कुल 1845 और यूवो का 1950 kg। दोनों में इतना ट्रैक्टर का वजन का फ़र्क है, वजन भी यूवो में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और अब हम बात करते हैं ब्रांडिंग की और ग्राफिक्स की, काफ़ी शानदार इस ट्रैक्टर में आपको ब्रांडिंग मिलने वाली है स्वराज के मुकाबले। सिंगल टोन के साथ कलर रहेगा, फिर भी काफ़ी शानदार है। मेटेलिक दोनों ट्रैक्टर में आपको पेंट मिलने वाला है।
सिंगल डीजल फिल्टर रहेगा ट्रैक्टर में आपको, और तीन सिलेंडर पावर रहेगी, बॉसिच कंपनी का इनलाइन पंप देखने को मिलेगा ट्रैक्टर में, और 2000 इंजन रेटेड आरपीएम मिलेगी। स्वराज में आपको 1800 इंजन रेटेड आरपीएम मिल रही थी, और ट्रैक्टर में आपको तीन सिलेंडर पावर मिलेगी बॉसिच कंपनी के इनलाइन पंप के साथ, और 27 हॉर्स पावर की पीटी देखने की पीटी पावर देखने को मिलेगी ट्रैक्टर में। उस ट्रैक्टर में आपको 32.6 की और मैक्स 24 की मिल रही थी, इस ट्रैक्टर में आपको 27 हॉर्स पावर की मिलेगी। सबसे मेन बात, इस ट्रैक्टर की वारंटी 6 साल की मिलने वाली है, स्वराज में सिर्फ 2 साल की, 4 साल ज़्यादा वारंटी इस ट्रैक्टर में आपको इंजन की मिलने वाली है, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट रहता है ट्रैक्टर में। सिंगल क्लच ट्रैक्टर है दोनों, और 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स गियर, और प्लेटफॉर्म इसका फुली कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। दोनों ट्रैक्टर में आपको पीछे वाले टायर में ऑप्शन मिलने वाले हैं 12/4/28 और 13/6/28 का, और इसमें आपको 13/6/28 का टायर देखने को मिलेगा। बाकी आपको पीछे की बात करें तो इस ट्रैक्टर में 33 हॉर्स पावर के मुका होने के बावजूद भी इसकी लिफ्टिंग जो क्षमता है जो है 1700 kg, देख लीजिए इतना फ़र्क है, 1700 kg, और स्वराज में आपको 1100 से लेकर 1200 kg तक। ये ट्रैक्टर काफ़ी शानदार कंपनी ने लॉन्च करा है, बहुत का पावर है इस ट्रैक्टर में। 12 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट विदाउट बॉक्स के साथ मिलेगा, उसमें बॉक्स के साथ मिल रहा है, हाई लो मीडियम के आपको ऑप्शन इधर देखने में मिलेगा, पीटीओ का भी इधर मिल जाएगा क्लच आपको। 27 HP की पीटीओ पावर मिलेगी, कॉन्स्टेंट मैच इस ट्रैक्टर में गियरबॉक्स देखने को मिलेगा ट्रैक्टर में, ऑयल इमर्स ब्रेक मिलेंगे ट्रैक्टर में, 6 स्प्लाइन की पीटीओ रहेगी, 540 चक्कर जनरेट करेगी 1810 इंजन रेटेड आरपीएम के साथ। अब मैं सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में कि मैं लास्ट में आपको एक बात बताऊंगा इन कंपैरिजन में, 1700 kg ये ट्रैक्टर वेट उठा सकता है, और वो ट्रैक्टर कंपनी जैसे उनकी डॉक्यूमेंट में बात करें तो 1100 से लेके 1200 kg तक ओनली वेट उठा सकता है ये ट्रैक्टर, उससे कुछ 500 kg ज़्यादा वजन उठा रहा है। और सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर बॉल मिलेगा, 60 लीटर का फ्यूल टैंक का बैकअप मिलने वाला है उस ट्रैक्टर में आपको, 48 लीटर का फ्यूल टैंक का बैकअप मिलने वाला है। 18 इस ट्रैक्टर का वजन भी आपको उस ट्रैक्टर से ज़्यादा देखने को मिलेगा, 1950 kg इस ट्रैक्टर में आपको वजन देखने को मिलेगा, और 1830 mm का व्हील बेस। तो मुझे पर्सनली बात करें तो इनकी इन्फॉर्मेशन देख के और लुकिंग वाइज और काम वाइज देख के मुझे यूवो खुद को पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर है यूवो सीरीज़, एक कामयाब सीरीज़ है महिंद्रा की। और एवरेज की बात करें तो इसमें FE डबल दिया तो है पर एवरेज महिंद्रा की ज़्यादा ही रहती है, मेंटेनेंस खर्चा भी काफ़ी दोनों ट्रैक्टरों का कम है, जब से स्वराज महिंद्रा के अंडर में ही तो कम है, पर यूवो का इससे भी ज़्यादा है क्योंकि महिंद्रा अपने ट्रैक्टरों का तो कुछ कमी पेशी छोड़ने वाली वाली, तो काफ़ी दोनों ट्रैक्टर ही शानदार है अपनी अपनी जगह, सबकी अलग अलग पसंद रहती है, मेरी पसंद मैंने आपको वीडियो में बताया है, मुझे यूवो ज़्यादा अच्छा लगा। 33 हॉर्स पावर के होने के बावजूद भी इस ट्रैक्टर में इंजन पावर आपको 1700 kg इस ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक क्षमता मिलने वाली है, वो ट्रैक्टर में 35 से 40 हॉर्स पावर की कैटेगरी के ट्रैक्टर है दोनों, तो उसमें फिर भी आपको 1100 से लेकर 1200 kg ट्रैक्टर की लिफ्टिंग की क्षमता रहेगी, तो काफ़ी शानदार दोनों ट्रैक्टर हैं। आप मुझे वीडियो में ज़रूर एंड में बताना कि आपको कौन सा ट्रैक्टर अच्छा लगा, एक बार मैं फिर से कंपैरिजन कर देता हूं। सीसी पावर की बात करें तो यूवो में आपको 2048 सीसी पावर मिलेगी और इसमें आपको 2734 सीसी पावर मिलेगी ट्रैक्टर में, आपको स्वराज में 1800 इंजन रेटेड आरपीएम देखने को मिलेगी और इस ट्रैक्टर में यूवो में आपको 2000 इंजन रेटेड आरपीएम देखने को मिलेगी। दोनों ट्रैक्टर सिंगल क्लच के साथ मिलेंगे। पीटीओ पावर की बात करें 32.6 की इस ट्रैक्टर में स्वराज में आपको पीटीओ पावर देखने को मिलेगी और महिंद्रा में आपको 27 HP की पीटीओ पावर मिलेगी। दोनों ट्रैक्टर में वारंटी का काफ़ी फर्क है, 6 साल की महिंद्रा की मिलेगी, स्वराज में सिर्फ आपको 2 साल की। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट में एंड में ज़रूर बताना आपको दोनों ट्रैक्टर में कौन सा आपको ज़्यादा पसंद है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना।